राजस्थान के पूर्व कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन का नाम आज फिर से सुर्खियों में है। मेवाराम जैन के कारण बाड़मेर सोशल मीडिया मंच एक्स पर ट्रेंड में पहले नंबर पर है। वजह है मेवाराम जैन के दो वीडियो जो शुक्रवार को अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग लिख रहे हैं कि आज राजस्थान शर्मसार हो गया है। दरअसल मेवाराम जैन पर पहले से ही एक दुष्कर्म का केस चल रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि ये वीडियो भी उसी कांड का ही है। इस वीडियो के कई स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन राजस्थान की पिछली सरकार में मंत्री थे। उनकी गिनती बाड़मेर के बड़े कांग्रेसी नेताओं के रूप में होती रही है, लेकिन बीते दिनों जोधपुर में एक महिला ने कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन समेत आरपीएस आनंद सिंह राजपुरोहित समेत 9 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। बता दें कि पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में ये कहा है कि मेवाराम जैन ने उन्हें बेटी कहा था, लेकिन बाद में उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन्होंने उनके साथ गलत काम किया। पीड़िता ने यह भी कहा है कि उन्होंने उनकी नाबालिग बेटी के सामने भी उनके साथ छेड़छाड़ की है। और इस मामले में अब बता दें कि एक नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित महिला ने FIR में 2 अश्लील वीडियो का जिक्र किया था और अब मेवाराम जैन से जुड़े ये 2 वीडियो सामने आए हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा जो शख्स है वो मेवाराम जैन ही है। इसके साथ ही इससे जुड़े कई फोटोज भी शेयर किए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले की पुष्टि इन खबर प्लेटफॉर्म नहीं करता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार को दोपहर बाद अचानक से शेयर होने लगे। इसमें दावा किया जा रहा है कि जो इसमें शख्स दिखाई दे रहा है वो बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन ही है। एक वीडियो 6 मिनट का है और दूसरा 53 सेकंड का है। पुलिस रिपोर्ट में पीड़िता ने कहा है कि पूर्व विधायक ने दुष्कर्म करते हुए उनका वीडियो शूट किया था। और इसके अलावा पीड़िता का ये भी कहना है कि जब पीड़िता के साथ दुष्कर्म के बाद जब मेवाराम जैन का और रामस्वरूप का मन भर गया तो उसने पीड़ित महिला से दूसरी 15 या 16 साल की लड़कियों को लाने के लिए भी कहा है। महिला ने रिपोर्ट में बताया था कि पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने रामस्वरूप आचार्य के जरिए पीड़ित दयाल और एक अन्य शख्स के खिलाफ अक्टूबर 2023 में और इसके एक साल पहले 29 नवंबर 2022 को जो मुकदमा दर्ज कराए थे वो झूठे थे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस दिन 29 नवंबर 2022 को मुकदमा दर्ज हुआ था उसी सुबह 7 बजे बाड़मेर कोतवाली थानाधिकारी गंगाराम खावा और वहां का एक पुलिसकर्मी दाऊद खान दोनों दयाल को लेकर जोधपुर में पीड़िता के निवास पर आए थे और जरूरी काम कहकर पाली रोड पर एक सुनसान जगह पर बने एक फार्म हाउस पर उसको ले गए थे। और इसी के साथ आपको बता दें कि कोतवाली थाने में पीड़ित महिला द्वारा पॉक्सो और SC/ST मामले में आरोपी बनाए गए रामस्वरूप आचार्य द्वारा सेक्सटॉर्शन का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें पीड़ित महिला और उसके सहयोगियों द्वारा 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया गया था और पैसे नहीं देने के हालात में वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया गया था। इस मामला दर्ज होने के बाद पुलिस पीड़ित महिला को बाड़मेर लाकर पूछताछ भी कर रही थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। बने रहिए खबर पर।